आप से जुड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब कीजिए 3N न्यूज नेटवर्क। अब तक कोरोना वायरस की वजह से ब्लैक फंगस से जूझ रहे लोगों के लिए अब नई मुसीबत सामने आई है, जिसका नाम है व्हाइट फंगस। बिहार के पटना के अस्पताल में इसके 4 मरीज मिलने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। ब्लैक फंगस से ये बीमारी ज्यादा घातक मानी जा रही है। पटना में व्हाइट फंगस से मिले संक्रमित मरीजों में पटना के एक फेमस स्पेशलिस्ट भी शामिल है। व्हाइट फंगस फेफड़ों के संक्रमण का मुख्य कारण है और फेफड़ों के अलावा स्किन, नाखून, मुंह के अंदरूनी भाग, आमाशय और आंत, किडनी, गुप्तांग और ब्रेन आदि को भी संक्रमित करता है। व्हाइट फंगस से फेफड़ों के संक्रमण के लक्षण HRCT में कोरोना जैसे दिखते हैं, जिसकी वजह से इसमें अंतर करना मुश्किल हो जाता है कि कोरोना है या फिर व्हाइट फंगस, क्योंकि ऐसे मरीजों में रैपिड एंटीजन और RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होते हैं। ऐसे मरीजों का रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट और फंगस के लिए बलगम का कल्चर कराना चाहिए। कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, उनके फेफड़ों को यह संक्रमित कर सकता है। डायबिटीज एंटीबायोटिक का सेवन करने वाले या फिर स्टेरॉयड का लंबा सेवन करने वाले लोगों को कैंसर के मरीज जो दबा ले रहे हैं, उन्हें यह जल्दी अपनी गिरफ्त में लेता है। नवजात में यह डायपर कैंडिडोसिस के रूप में होता है, जिसमें क्रीम कलर के सफेद धब्बे दिखते हैं। छोटे बच्चों में यह ओरल थ्रस्ट करता है, तो वहीं पर महिलाओं में यह ल्यूकोरिया का मुख्य कारण है। जो मरीज ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पर हैं, उनके ऑक्सीजन या फिर वेंटिलेटर उपकरण, विशेषकर ट्यूब आदि जीवाणु मुक्त होने चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर ह्यूमिडिफायर में स्टेलॉइज वाटर का प्रयोग करना चाहिए। जो ऑक्सीजन मरीज के फेफड़ों में जाए, वह फंगस से मुक्त हो। जिन मरीजों का रैपिड एंटीजन और RT-PCR टेस्ट नेगेटिव हो और जिनके HRCT में कोरोना जैसे लक्षण हो, उनका रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करवाना चाहिए। बलगम के फंगस कल्चर की जांच भी करवानी चाहिए।